एक्चुअली में भाई साहब ये वही जगह है, मतलब इसी पार्क में चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया था और इसी पार्क में उन्होंने खुद को गोली मार दी थी। और एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस बंदूक से, जिस रिवॉल्वर से चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार दी, वो बंदूक भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। मतलब इसी गाड़ी पे महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा निकली थी और ये वाली गाड़ी एक्चुअली में आज भी यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा भी यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थी ना, इंदिरा गांधी, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। और उसमें हमारा पूरा जो ड्रोन था उलझ गया और नीचे गिरा धड़ाम से, तो सारा कनेक्शन टूट गया और अभी कंट्रोलर से हमारा जो ड्रोन है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और इस तरफ से देखो माँ गंगा आ रही है और इस तरफ से आ रही है यमुना रिवर, तो यहाँ पर संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रयागराज से, जिस शहर को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था लेकिन अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आपको बताइए कि कुंभ मेला का शहर, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, उसका शहर प्रयागराज। तो आज के हमारे स्टूडियो में हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि अगर आप इन फ्यूचर प्रयागराज आते हो तो आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर घूमना है, क्या क्या करना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो देखो, प्रयागराज को एक्सप्लोर करने की जरिए में सबसे पहले अभी हम लोग आ चुके हैं अमर जवान चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। देखो, मतलब इस जगह को देखने के लिए मैं बचपन से एक्साइटेड था। ऐसा नहीं कि मैं इस जर्नी में आया था, इस ट्रिप पे आया था तब से एक्साइटेड था, नहीं, बहुत टाइम से मुझे ऐसा था कि भाई यहाँ पर तो मुझे आना ही आना है। और फाइनली वो दिन आ गया। तो देखो, पूरे प्रयागराज की सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस जो आप बोल सकते हो मेरे लिए, वो ये है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो अंदर चलते हैं, इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और देखो, मेन रोड पर ये एक पार्क बना हुआ है, बहुत ही बड़ा पार्क है, अंदर बहुत सारी इसके रिलेटेड हिस्ट्री छुपी हुई है। तो मेन रोड पे है तो बहुत ज़्यादा आपको शोर आ रहा होगा, हाईवे पे बना हुआ तो व्हीकल का शोर आ रहा होगा, तो ज़्यादा बातें ना करते, फटाफट अंदर चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये देख लो, ये यहाँ का एंट्री गेट है, ऊपर लिखा हुआ है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, और उसके उस तरफ यहाँ पर टिकट काउंटर बना हुआ है जहाँ पर 5 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेनी पड़ेगी, और टिकट लेके आप अंदर जा सकते हो। चलिए फटाफट अंदर चलते। तो देख लो गाइस, यहाँ पर एंट्री गेट था, वहाँ से हमने एंट्री ले ली। और देखो, बाहर बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा था इसलिए हमने ज़्यादा शूट नहीं किया। और वहाँ से एंट्री लेने के बाद इस तरफ है हमारे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्टैचू, बहुत ही खूबसूरत स्टैचू। तो यहाँ पर खड़े रह के मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। देखो, इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की बात करें, स्टोरी की बात करें, तो देखो, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि 5 रुपये एंट्री टिकट है और सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, एक्चुअली में ये पूरा गार्डन है 133 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, मतलब भाई साहब इतना बड़ा गार्डन है। तो आप सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कभी भी यहाँ पर आ सकते हो, घूम सकते हो और हमारे शहीद चंद्रशेखर जी के दर्शन कर सकते हो। और देखो, इसकी और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पहले एक्चुअली में ये कंपनी गार्डन अल्फ्रेड गार्डन के नाम से जाना जाता था। और पहले जब अंग्रेजों का रूल था यहाँ पर, तो रानी विक्टोरिया की बहुत ही एक बड़ी स्टैचू थी यहाँ पर। और देखो, इसके नाम की बात करें, मतलब नाम के पीछे की स्टोरी की बात करें कि इस पार्क का नाम पर्टिकुलर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क ही क्यों है, तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, आपने हिस्ट्री में कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद एक पार्क में घूम रहे थे और उनको मतलब चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया, तो उन्होंने उस टाइम पर अपने आप को ही गोली मार दी, एक ही गोली बची थी, तो अपने कोई मार दिया और बोल दिया कि मैं मरते दम तक इनकी गुलामी नहीं करूंगा, इनके हाथ नहीं आऊंगा, तो उन्होंने अपने आप को ही गोली मार दी थी। तो एक्चुअली में भाई साहब ये वही जगह है, मतलब इसी पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया था और इसी पार्क में उन्होंने खुद को गोली मार दी थी, और मतलब मरते दम तक उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले नहीं किया था, आज़ाद रखा था। तो ये वही जगह है, मतलब आप समझ ही सकते हो कि मैं क्यों इस जगह को विजिट करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। मतलब देखो, हिस्ट्री में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे हीरोज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं मतलब कब से ऐसा था कि कब इस जगह को विज़िट करूं। और फाइनली देखो, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। स्टैचू के ठीक सामने हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के, और यहाँ पर भी मतलब लिखा हुआ है, देखो 27 फरवरी 1931 को इसी जगह पर मतलब अंग्रेजों ने यहाँ पर उनको घेर लिया था और उन्होंने खुद को गोली मार दी थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इसी स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस जगह को बयां करने के लिए। देखो यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क,
बहुत ही मस्त जगह है। और देखो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये शाम को मतलब बैठने आओगे ना फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मतलब देखो यार अभी दोपहर का टाइम है, गर्मी हो रही बाहर, फिर भी देखो मतलब इतने सारे पेड़ है, हरियाली है चारों तरफ, और मतलब क्या ही बोले, इतनी छाव है, अच्छा मतलब ठंडा मौसम है यहाँ पर, धूप होने के बावजूद यहाँ पर बहुत ठंडा है, तो बैठने में बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर देखो बेंच भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी, देखो बेंच भी हर जगह पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आके आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। और वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन प्रयागराज, अब जब भी प्रयागराज आते हो डेफिनेटली यहाँ पर आपको आना ही है। और पार्क के अंदर ही इलाहाबाद म्यूजियम है, बहुत ही पॉपुलर म्यूजियम है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है। और एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस बंदूक से, जिस रिवॉल्वर से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी, वो बंदूक भी आप वहाँ पर देख सकते हो। लेकिन उसके टाइमिंग है 10:30 बजे ओपन होता है वो और शाम के 5-5:30 बजे बंद हो जाता है। तो अभी 10:30 बजने में आधा घंटा है, तो इसीलिए हमने आपको ये जगह दिखा दी। उसके बाद चलेंगे म्यूजियम और म्यूजियम जाके वो बंदूक भी आपको दिखाने वाले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को विजिट करने के बाद उससे थोड़ा ही आगे आओगे, मतलब आप पैदल 5 मिनट में पहुंच जाओगे, उसी पार्क में है इलाहाबाद म्यूजियम। तो देखो अभी हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और मैंने आपको ऊपर से भी ड्रोन शॉट लेके भी दिखा दिया। एक्चुअली में यहां पर वो ड्रोन वोन अलाउ है ही नहीं, बिल्कुल हाईवे के बगल में बना हुआ है और म्यूजियम है तो कुछ अलाउ नहीं है, लेकिन हमारे पास परमिशन है तो मैंने उड़ाया दिखाया। तो देखो अभी मैं आपको टूरिस्ट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देता हूं, मतलब अगर आप एज ए टूरिस्ट यहां पर आते हो तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस म्यूजियम के बारे में। तो देखो पार्क के लिए जैसे मैंने बताया था कि 5 रुपीज़ एंट्री टिकट है पर पर्सन के हिसाब से, ऐसे म्यूजियम के लिए अलग से एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे इस म्यूजियम को विजिट करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप अंदर फ़ोन से फोटो खींचना चाहते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपये देने हैं, और अगर आप कैमरा लेके आते हो और कैमरे से फोटोज़ खींचना चाहते हो तो उसके लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। और टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो देखो 10:30 बजे ये म्यूजियम ओपन होता है, 4:30 बजे शाम को टिकट यहाँ पर मतलब काउंटर बंद हो जाता है, टिकट काउंटर बंद हो जाता है, और 5:30 बजे म्यूजिक बोल रहा हूँ 5:30 बजे म्यूजियम बंद हो जाता है। एक्चुअली देखो 4:30 को अगर आपने टिकट लेके एंट्री कर ली तो आपको 1 घंटा डेफिनेटली लगने वाला है, बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, अच्छा कलेक्शन है। और मंडे को क्लोज रहता है, देखो कल ही हम पूरा वीडियो शूट करने वाले थे, पूरा इलाहाबाद आपको प्रयागराज दिखाने वाले थे, लेकिन मंडे था तो मंडे को सारी जो मतलब ये 2-3 जगह आनंद भवन हो गया, इलाहाबाद म्यूजियम हो गया, वो मंडे को क्लोज रहते हैं, तो उस हिसाब से टाइमिंग सेट करके आना। तो चलिए फिर अभी ज़्यादा हम टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट अंदर चलते हैं। और देखो अंदर एक्चुअली में ऐसे तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, मतलब आप नहीं कर सकती है वो, लेकिन यहाँ के जो ऑफिसर है मतलब अंदर ऑफिस में गए, हमने उनसे बात की, अपना जो लेटर था वो दिखाया, सो बहुत ही मतलब बोल सकते हो बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने पूरा म्यूजियम जो था वो खुद से हमें घुमाया और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो अंदर चलते हैं, पूरा म्यूजियम दिखाते हैं और उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आइए म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं, तो ये सबसे मेन कॉरिडोर है, यहाँ से आपको राइट से शुरुआत करनी है पूरा म्यूजियम, और 2 फ्लोर का म्यूजियम है, तो मतलब नीचे घूमो उसके बाद ऊपर घूमो और यहाँ से फिर एग्जिट लेके बाहर निकल जाओ। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, देखो भाई साहब यहाँ पर देखो मैं फ़ोटो के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि चंद्रशेखर हमारे जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी थे उनकी जो गन थी वो भी यहाँ पर रखी हुई है। तो मैंने पहले बताया कि हम यहाँ के ऑफिस में गए थे और यहाँ के जो ऑफिसर उनसे बात की, तो एक्चुअली मैं गन वो अभी उनके बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, तो गन जो है वो म्यूजियम के पर्सनल कलेक्शन के अंदर है। मतलब यहाँ पर देखो एक और नया कॉरिडोर बन रहा है अभी, पीछे दिखा भाई, तो अभी टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है, बन रहा है अभी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पर्सनल कलेक्शन में उनके बंद है, तो अभी आप गन नहीं देख सकते। तो मैं फोटो को दिखा रहा हूँ, देखो यही गन है, पहले देख सकते थे लेकिन अभी काम चल रहा है इसलिए बंद है। तो चलो फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं म्यूजियम को देखने। तो देखो सबसे पहली गैलरी यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा, अर्ली स्टोन स्कल्पचर गैलरी, मतलब यहाँ के जो पुराने टाइम के जो स्कल्पचर थे पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ उसको यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो मैं पहले पूरा देख चुका हूँ लेकिन अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आइए। तो देखो यार म्यूजियम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हमें महादेव का शिवलिंग देखने को मिल जा रहा है, देखो क्या खूबसूरत शिवलिंग है, और उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, देखो 5th सेंचुरी AD का ये स्कल्पचर है, ये शिवलिंग है, देख लो भाई साहब क्या ही खूबसूरत शिवलिंग है देखो महादेव का। सो देखो जैसे कि मैंने बताया था ये वाली गैलरी के अंदर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त है स्कल्पचर है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू देवी देवता, बौद्ध देवी देवता, जैन देवी देवता के स्कल्पचर बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर देखो शिव पार्वती का स्कल्पचर है, और भाई साहब 11th सेंचुरी का ये स्कल्पचर है, देखो कितना खूबसूरत है, मतलब यहाँ पर नक्काशी देखो कितनी बारीक है और कितनी ज़बरदस्त है। वैसे इस तरफ आओगे तो आपको भगवान विष्णु के जो दशा अवतार है उसके स्कल्पचर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो उनका वराह अवतार का एक स्कल्पचर बना हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर देखो नरसिंह अवतार का एक स्कल्पचर है, खूबसूरत का स्कल्पचर है।
उसके आगे आओगे तो यहाँ पर खुद भगवान विष्णु नारायण की एक खूबसूरत सी स्कल्पचर है। तो मतलब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर आप देख सकते हो, और उसके उस तरफ है बौद्ध स्कल्पचर। देखो यहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर बने हुए, मतलब हिंदू देवी देवताओं के स्कल्पचर है और भी बहुत सारे स्कल्पचर है, लेकिन देखो सारे दिखाने जाऊँगा तो वीडियो यहीं पर बन जाएगा पूरा म्यूजियम का सेपरेट, और वो हमें करना नहीं है क्योंकि आगे भी बहुत सारी प्लेसेस आपको दिखानी है। तो चलते हैं नेक्स्ट गैलरी को। सो देखो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं, और सबसे पहले गैलरी जो यहाँ पर है वो है फ्रीडम स्ट्रगल गैलरी, स्वतंत्र संग्राम विथी का मतलब दिखा दे रही है। यहाँ पर देखो उस टाइम के मतलब इंडिपेंडेंट जो हमारे बोल सकते हो स्वतंत्र संग्राम हुए थे उस टाइम के जो कुछ किताबें थी, कुछ लेटर्स थे, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। बहुत ही पुराने और बहुत ही रियल, ऐसा नहीं है कि भाई उसका रेप्लिका है, डुप्लीकेट, ऐसा कुछ नहीं, उस टाइम के रियल सारे खत वत सारे यहाँ पर देख सकते हो। और देखो नीचे हम कवर करके आए, ऊपर आए, ऊपर के बाद देखो सामने से अंदर एंट्री ली तो ये पूरा कलेक्शन देखो उसी टाइम का है, तो आप मतलब मज़ा आएगा आपको देखने में। गांधी गैलरी की तरफ, तो यहाँ पर क्या है तो बेसिकली महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी मतलब बोल सकते हो किस्से हुए थे, घटनाएं हुई थी, उसको यहाँ पर दर्शाया गया। और यहाँ पर सारे की सारी ओरिजिनल पेंटिंग्स है भाई साहब, मतलब ऐसा मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैंने जब देखा तो आज तक मैंने भी ये वाली पेंटिंग्स नहीं देखी, तो बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही रेयर फोटोज़ यहाँ पर है। पेंटिंग्स में बोल गया तो माफ़ कर देना, गांधी जी के बहुत ही ओरिजिनल फोटो यहाँ पर है, रेयर फोटोज़ है। आइए ये देखो सारे के सारे ओरिजिनल फ़ोटोज़ है पूरी गैलरी में, देखो मतलब बहुत सारे फ़ोटोज़ है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, मतलब यहाँ पर आगे जाके मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा, मज़ा आएगा आपको। देखो मैं आपको इंटरेस्टिंग जो चीज़ बता रहा था, हिस्ट्री बता रहा था, दिखाता हूँ। एक्चुअली में यहाँ पर एक दो और तीन जो पेंटिंग्स आपको दिख रही है बहुत ही हिस्टोरिकल पेंटिंग्स है। कौन सी है तो देखो आपको यहाँ पर एक गाड़ी दिख रही होगी, तो ये एक्चुअली में महात्मा गांधी की जो अंतिम यात्रा थी ये वही गाड़ी है, मतलब इसी गाड़ी पे महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा निकली थी। और ये वाली गाड़ी एक्चुअली में आज भी यहाँ पर मौजूद है, मतलब म्यूजियम के बाहर जाओगे बगल में ये गाड़ी खड़ी है, तो आज भी इस गाड़ी को आप देख सकते हो। साथ ही साथ देखो आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी का जो मतलब अस्थियाँ थी उनका विसर्जन त्रिवेणी संगम में हुआ था, प्रयागराज में, इलाहाबाद में हुआ था, तो ये उसी का फोटो है, मतलब इनकी जो महात्मा गांधी की जो अस्थियाँ थी वो विसर्जित करने के लिए लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जो थे वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, देखो यहाँ पर वही फोटो है। A few moments later. So, देखो गाइस अभी हम लोग म्यूजियम से निकल रहे हैं और जा रहे हैं दूसरी प्लेस को विजिट करने के लिए। और एक्चुअली एक चीज़ बताना चाहूँगा, 16 गैलरी यहाँ पर, 16 अलग अलग गैलरी है, और देखो सारी की सारी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर ही पूरा मतलब लंबा अच्छा खासा वीडियो हो जाएगा, तो जितना हो सकता था आइडिया देने के लिए मैंने आपको दिखा दिया। आप डेफिनेटली जब भी यहाँ पर आते हो तो आपको एक दो घंटे तो यहाँ पर निकलने वाले ही है, तो उस हिसाब से टाइम अपना सेट करके आना। और देखो दोपहर के टाइम पे आना, मैं तो बोलूँगा कि आपका जो धूप वाला टाइम है ना वो यहीं पे मतलब निकल जाएगा, अच्छी खासी ठंडक में निकल जाएगा, तो दोपहर के टाइम पे इस मंदिर म्यूजियम को विजिट करने का ट्राई करना। चलिए फिर अभी हम लोग यहाँ से निकल और जा रहे हैं दूसरे प्लेस को विजिट करने के लिए। म्यूजियम के बाद फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद भवन, आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। तो देखो ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन प्रयागराज इलाहाबाद, आपको पता होगा कि बहुत पॉपुलर साइट है। तो देखो इसके टाइमिंग, एंट्री टिकट की बात करने से पहले इस जगह की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो एक्चुअली में ये नेहरू और गांधी परिवार का रेसिडेंस हुआ करता था, मतलब यहाँ पर नेहरू और गांधी परिवार के लोग रहा करते थे स्वतंत्र संग्राम से पहले की बात है। तो देखो एक्चुअली इस घर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने परचेज किया था सन 1899 में, और 1889 में जवाहरलाल नेहरू का बॉर्न हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू जब 10 साल के थे तब उनके पिताजी ने इस घर को खरीद लिया था। और साथ ही साथ देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा भी यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थी ना इंदिरा गांधी, उनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। वर्तमान में इस सब भवन को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो देखो एक्चुअली में दो फ्लोर का म्यूजियम है, दो फ्लोर का भवन है। तो यहाँ पर देखो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा कि फ्लोर वाइज एंट्री टिकट है, मतलब आनंद भवन आप विजिट करने आओगे तो सिर्फ आपको अगर ग्राउंड फ्लोर घूमना है तो उसके लिए आपको 30 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, और अगर आपको ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ फर्स्ट फ्लोर भी एक्सप्लोर करना है तो आपको कंबाइन 100 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी। साथ ही भाई इस तरफ देखा वहाँ पर आपको नेहरू प्लेनेटोरियम दिख रहा होगा, तो उसकी भी 100 रुपीज़ अलग से एंट्री टिकट है, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अगर आपको प्लेनेटोरियम देखना है तो उसकी आप एंट्री टिकट लेके वहाँ पर जाके देख सकते हो, और 100 रुपीज़ में आप दोनों फ्लोर कवर कर सकते हो। और देखो टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक ये जगह ओपन रहती है टूरिस्ट के लिए, मंडे क्लोज रहता है, और दोपहर को 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लंच ब्रेक रहता है। तो ये सारे टाइमिंग्स याद रखना जब भी आप इस जगह को विजिट करने आते हो तब। तो चलिए फिर अभी ज़्यादा टाइम पास ना करते, फटाफट चलते हैं अंदर, क्योंकि देखो 1:30 बजे, 1 से 1:30 बजे तक मैंने बताया कि बंद था, तो अभी हम लोग आए तब 10 मिनट बाकी था 1:30 बजने में, अभी ओपन हो चुका है, टूरिस्ट अंदर जा रहे हैं। तो चलिए फिर फटाफट अंदर चलते हैं, आइए।
जैसे कि मैंने बताया था कि ग्राउंड फ्लोर अलग है, एंट्री टिकट और फर्स्ट फ्लोर की अलग है, तो ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा है कि आप यहाँ आपको चलते जाना है और अलग अलग ऐसे रूम बने हुए, देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया मोतीलाल नेहरू स्टडी, मोतीलाल नेहरू लिव्ड हियर, तो ऐसे अलग अलग रूम बने हुए हैं, तो वहाँ पर आपको देखते जाना है, खिड़की में से देखते जाना है, पूरे शीशे लगे हुए हैं तो आप डायरेक्टली देख सकते हो और उसके बाद पूरा घूम के आगे से सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हो। सो देख लो, ग्राउंड फ्लोर हमने कर लिया है और यहाँ से जाना है फर्स्ट फ्लोर के लिए। देखो लिखा हुआ है प्रवेश फर्स्ट फ्लोर, एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ से सीढ़ियों के थ्रू जाना है ऊपर की। हाँ, ये देखो फोन वोन रखे हुए उस टाइम के, और सीढ़ियों के थ्रू में जाना है ऊपर के लिए। नेहरू परिवार की कुछ निजी वस्तुएं, पर्सनल जो उनकी चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी हुई है, कलेक्शन है, कपड़े वपड़े किताबें देख लो, सारी किताबें विताबें यहाँ पर रखी हुई है, बर्तन रखे हुए, कुछ चम्मच वम्मच, यहाँ पर उनके कुछ कपड़े हैं, यहाँ पर कुछ कुर्ते वुर्ते रखे हुए देख लो, उनके पर्सनल कलेक्शन की चीज़ें सारी की सारी यहाँ पर। जो निजी वस्तुओं का रूम था यहाँ पर, उसके बगल में बना हुआ है, देखो जवाहरलाल नेहरू रहे और कार्य किया, तो ये एक्चुअली में उनका बेडरूम हुआ करता था, देख सकते हो आप, यहाँ पर वो सोते होते थे, कुर्सी टेबल लगे हुए हैं, उनकी सारी जो किताबें हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर ग्लास है, ऐसा नहीं है कि आप बीच में मतलब आगे कहीं भी चले जाओगे देख लोगे, ग्लास है, तो ग्लास के थ्रू ही आपको यहाँ पर खड़े रह के सारी चीज़ें देखेंगे। देखो सो देखो, सीढ़ियों से थ्रू हम लोग आए डायरेक्टली उस तरफ गए, सारे दो तीन कमरे देखे, और यहाँ पर लिखा हुआ देखो कि कांग्रेस जो कमेटी, उन्होंने महत्वपूर्ण जो डिसीजन थे वो यहाँ पर ही लिए थे, इसी रूम में लिए थे। देखो यहाँ पर मतलब वो लोग बैठते थे, ये देखो नीचे बैठने के लिए गद्दे वद्दे रखे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठ के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन थे वो लिया करते थे। ये वाला जो मैंने बताया ना कि मीटिंग रूम हुआ करता था, उसके थोड़ा ही आगे आओगे तो यहाँ पर लिखा देखो महात्मा गांधी यहाँ पर ठहरा करते थे, जब भी ये आनंद भवन में आते थे तो यहाँ पर रुका करते थे। देखो उनकी ये बैठने की जगह है, खटिया वटिया लगी हुई है। हाँ तो देख लो गाइस, यही था आनंद भवन, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि नेहरू परिवार और गांधी परिवार के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको स्वतंत्रता टाइम पे क्या हुआ था, मतलब लड़ाई जो हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ था, अगर वो देखना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आ सकते हो। और देखो ये इतनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि हमें अंदर कैमरा अलाउ हुआ ही नहीं, मतलब हम पर्यटन विभाग से, हमने पूरा, हमारे साथ जो पांडे जी घूम रहे पर्यटन विभाग से, उन्होंने पूरा लेटर वेटर दिखाया, लेकिन फिर भी बोले कि आप कैमरे से फ़ोन से शूट कर लो, कैमरे से अलाउ नहीं है। वैसे कैसे भी अलाउ है ही नहीं, लेकिन हमको बोला कि आप फ़ोन से कर लो, थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो इन फ्यूचर आप जब भी प्रयागराज जाते हो तो आप डेफिनेटली इस जगह को विजिट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, मतलब आप उस दौर को जी सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे एक और इंटरेस्टिंग प्लेस को विजिट करने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए। चल आनंद भवन के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खुसरो बाग, आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। तो देखो डिस्टेंस की बात करें तो आई थिंक 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है आनंद भवन से खुसरो बाग का जो डिस्टेंस है। और देखो हम एक सीक्वेंस में प्लेसेस विजिट कर रहे हैं, तो आपको भी ट्राई करना है कि उसी सीक्वेंस में करें ताकि एक ही रूट पर सारे प्लेसेज आ जाए। इसके बाद हम लोग शाम के टाइम पर, देखो ऑलमोस्ट अभी 4:30 होने आ चुके हैं, इसके बाद हम लोग जाने वाले त्रिवेणी संगम को विजिट करने के लिए, और वहाँ पर एक हनुमान जी का, लेटे हुए हनुमान जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, उसको भी आपको दिखाने वाले। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं खुसरो बाग। तो देखो इसके कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखो खुसरो बाग एक्चुअली में जहांगीर के सबसे बड़े जो बेटे थे उनका नाम था खुसरो, तो उसके नाम पे ही इस जगह का नाम खुसरो बाग रखा गया है। और यहां पर बेसिकली खुसरो, उसकी बहन और उसकी जो राजपूत माँ थी शाह बेगम, उनके मकबरे मौजूद है, तो आप यहां पर आके उनको देख सकते हो। और देखो मकबरे के अलावा, जैसे कि मैंने बताया कि एंट्री फीस नहीं है, लेकिन भाई साहब बहुत ही बड़े बड़े गार्डन्स हैं यहाँ पर, मतलब मैं तो बोलूँगा कि गार्डन्स के लिए यहाँ पर डेफिनेटली आओ, फोटोग्राफी के लिए आओ, क्योंकि दोनों तरफ मतलब आप बोल सकते हो कि हरे भरे पेड़ है और बीच में से खूबसूरत सा एक रास्ता जा रहा है, और पीछे आपको ऐसी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिख रही है देखो, तो बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स आने वाले हैं। और दोनों तरफ भाई, इस तरफ दिखा आप देख ही सकते हो कि आम के बहुत ही बड़े बड़े बगीचे हैं, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो बहुत ही खुला और बहुत ही बड़ा यहाँ पर एरिया है। तो डेफिनेटली ये शाम वाली जगह है, तो अभी आगे चलते हैं, सारे मकबरे आपको दिखाते हैं। तो देखो मतलब अंदर तो आप जा नहीं सकते, तो डेफिनेटली आपको बाहर से देखने को मिलेंगे। और देखो वो मकबरे दिखाने के लिए, मतलब ये पूरी जगह दिखाने के लिए हमने ड्रोन उड़ाया था भाई साहब, लेकिन बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया हमारा, अभी अभी हमारा ड्रोन जो था वो उड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर दो पेड़ों के बीच में जो अपनी वो पतंग वाली डोरी आती है ना वो लगी हुई थी, हमको दिखी, और उसमें हमारा पूरा जो ड्रोन था उलझ गया और नीचे गिरा धड़ाम से, तो सारा कनेक्शन टूट गया, और अभी कंट्रोलर से हमारा जो ड्रोन है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो देखो अफसोस तो हो रहा है कि भाई साहब बहुत ही बड़ा खर्चा आ गया, लेकिन उससे भी बड़ा अफसोस है कि इसके बाद हम लोग जाने वाले थे त्रिवेणी संगम। यहाँ का तो ड्रोन शॉट्स नहीं आया, ठीक है चलेगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन त्रिवेणी संगम जाने वाले थे भाई साहब। और सुबह से मैं सोच रहा था कि संगम पे मैं आपको ड्रोन से दिखाऊंगा ना, तो और अच्छे से आपको देखने को मिलेगा,
लेकिन अभी वो पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि पिछले आधे घंटे से हम ट्राई कर रहे थे लेकिन भाई साहब वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए फिर अभी धीरे धीरे आगे चलते हैं, आपको सारे के सारे जो मकबर है वो दिखाता हूँ और ये जगह कैसी आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। खुशरोबाग और कुछ दिखाने को है नहीं, समझाने को है नहीं, क्योंकि देखो मकबरे जो बने उसके अंदर आप जा नहीं सकते, बाहर से आपको फोटोज खींचने और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस टेम्पल को विजिट करने, साथ ही साथ त्रिवेणी संगम को विजिट करने के लिए, जो कि आज की हमारी सबसे लास्ट प्लेस रहने वाली। तो चले फिर ज़्यादा टाइम पास ना करते, फटाफट यहाँ से निकलते हैं, आइए। So, देख लो गाइस, खुशरोबाग के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज के सबसे पॉपुलर मंदिर बड़े हनुमान के मंदिर के वहां पर। देखो ये मंदिर एक्चुअली में बड़े हनुमान मंदिर लेकिन देखो ये मंदिर एक्चुअली में बड़े हनुमान मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर या फिर किले वाले हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। किले वाले मंदिर इसलिए क्योंकि यहाँ पर पास ही में किला है, एक्चुअली में आर्मी एरिया, वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जा सकते। तो ये तीनों नामों से मंदिर जाना जाता है और हनुमान जी को ये मंदिर समर्पित है। और देखो इसका बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर हनुमान जी की लेटी हुई अवस्था में मूर्ति है, मतलब 20 फीट लंबी हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति यहाँ पर। तो एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप हनुमान जी को लेटे हुए देख सकते हो, तो बहुत ही पॉपुलर मंदिर है और माँ गंगा जमुना के किनारे, मतलब यहाँ पर ही संगम है बिल्कुल पास में, तो गंगा जमुना के बिल्कुल बगल में मंदिर बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जब भी गंगा नदी में पानी ऊपर आता है ना, तो हनुमान जी को टच करके वो पानी वापस नीचे उतर जाता है। और हिंदू धर्म के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करके यहाँ पर दर्शन करके ही आपकी प्रयागराज की यात्रा सफल होती है। तो त्रिवेणी संगम पास में ही है, तो सबसे पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, अंदर अलाउ करेंगे तो कैमरा आपको दिखाएंगे और उसके बाद चलते हैं संगम के लिए। आइए A few moments later. तो मंदिर के बाद देख लो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली त्रिवेणी संगम, आज की हमारी सबसे लास्ट जगह। और देखो यार, मतलब मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और अंदर तो एक्चुअली में कैमरा अलाउ नहीं था, शूटिंग अलाउ नहीं था, हमारे पास परमिशन थी लेकिन वहाँ पर कोई मिल नहीं रहा था कि इसको दिखाए क्या करे। और वैसे भी सनसेट का टाइम हो रहा था, टाइम था नहीं हमारे पास, तो इसलिए हमने वहाँ पर फटाफट शूट करके दर्शन करके यहाँ पर संगम पर पहुँच गए। और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है मंदिर से संगम का, डिस्टेंस 1 ही किलोमीटर का है, तो आप मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर पहुँच जाओगे। और इस तरफ से देखो माँ गंगा आ रही है और इस तरफ से आ रही है यमुना रिवर, तो यहाँ पर संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है। और अभी आप लोग सोचोगे कि भाई साहब त्रिवेणी संगम है, 3 नदियाँ होनी चाहिए, 2 ही क्यों है, तो उसमें एक्चुअली में जो सरस्वती रिवर है वो गुप्त नदी है, मतलब सरस्वती रिवर का भी यहाँ पर संगम होता है लेकिन वो गुप्त है, तो इसलिए आपको गंगा यमुना मतलब दोनों का संगम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और देखो पीछे दिखा भाई इस तरफ जहाँ पर आपको बहुत सारी बोट दिख रहे हैं ना, एक्चुअल संगम वहाँ पर होता है। तो दिन के टाइम पे आओगे तो आप क्लियरली वहाँ पर जाके देख सकते हो, अभी क्या सनसेट का टाइम है, उतना लाइट है नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, अदरवाइज वहाँ पर क्लियरली विजिबल है, संगम विजिबल है। तो वहाँ पर यहाँ मतलब घाट से बोट में बैठ के, शेयरिंग में बैठ के जा सकते हो, 50-100 रुपये और टाइमिंग के हिसाब से रहते हैं चार्ज, तो बोट में बैठ के वहाँ पर जा सकते हो, संगम का पानी ले सकते हो। और यहाँ पर देखो जेरी कैन भी आपको मिल जाएगी, तो अगर आप संगम का पानी अपने घर ले जाना चाहते हो तब भी डेफिनेटली लेके जा सकते हो। और देखो आपको मेरे पीछे ये बैरियर दिख रहा होगा, तो ये एक्चुअली में नहाने का बैरियर है, तो आप यहाँ पर नहा सकते हो, आगे और जाना नहीं क्योंकि आगे पानी गहरा होगा, पानी का बहाव ज़्यादा होगा, तो इस बैरियर के अंदर आप नहा सकते हो। और सबसे आखिरी बात बताना चाहूँगा कि देखो संगम को आप मेरे हिसाब से शाम के टाइम पे ही विजिट करना, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। सनसेट यहाँ से बहुत ही मस्त होता है, मतलब यहाँ पर आप बैठोगे मस्त हवा चल रही है, संगम हो रहा है, ठंडा माहौल है, तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहेगा। तो जब भी आप प्रयागराज एक्सप्लोर करते हो तो आज हमने जिस सीक्वेंस में प्लेसेस विजिट किया आपको भी उसी सीक्वेंस में करने हैं, और सबसे लास्ट में मंदिर के बाद रखना है संगम, बहुत ही मस्त आपकी शाम जाने, बहुत ही मस्त।